कि वो कितना गहरा है। बांग्लादेश से मोहब्बत के हवाले से कुछ और अशआर सुनिए। अलामा इकबाल कहते हैं कि मोहब्बत कम याद है, तू जिनसे मोहब्बत है कीमत है गरा तेरी, तू जिनसे मोहब्बत है कीमत है गरा तेरी, कम माया है सौदागर इस देश में फर्जा हो। फिर फरमाया इत्तेहाद का रास्ता मोहब्बत है, हमस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े दो है इंसान को, अहमद का बयान हो जा मोहब्बत की जमा। नफरतें फैलाने वाले वाइज और मौलवी से अलामा इकबाल कहते हैं, बना देने की चिड़ी हमसे क्यों करे आवाज, कि हम लोग रस्म मोहब्बत को आम करते हैं। वाज के बाद होने वाले आशिकाने खुदा से कहते हैं, खुदा के आशिक तो है हजारों बंदों में फिरते हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। को फरमाए मुझे खोना है सोजे कतराए अश्य मोहब्बत में, मुझे खूंगा है सोजे कतराए अश्य मोहब्बत कसम की आपकी पानी के छोटे सुझाते। इस सवाल के जवाब में मोहब्बत किस दिल में मिलेगी, अलामा इकबाल कहते हैं मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नजर आपकी। इकबाल के नाम मोहब्बत और अदब दोनों लाजमो मज़मून हैं। इकबाल कहते हैं, खामोश है दिल बड़ी महफ़िल में चलाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। इकबाल ने मोहब्बत की एक तस्वीर बांगे दरा की नज़म तस्वीर दर्द में यूं पेश की है, मोहब्बत के शरर से दिल सरा नूर होता है, मोहब्बत के शरर से दिल सराबा नूर होता है, जरा से बीच से पैदा रियाज दूर होता है, शराब रूह परवर है मोहब्बत नोहे इंसान की, शराब रूह परवर है मोहब्बत नोहे इंसान की, सिखाया है उसने मुझको बस बेजानो सरूर है मोहब्बत की सताई है शफा बीमार दोनों ने, ये सुकून हो सकता है। अलामा इकबाल कहते हैं कि मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार कौमों ने, किया है वक्त खस्ता को बेदार कौमों ने। हज़रात-ए-गिरामी इकबाल मोहब्बत को एक ऐसी बादशाही से बेहतर समझते हैं जिससे इंसान दूसरों से दूर हो जाए, होशा हजार बादशाही काबे में तरीके आशाई, कि मोहब्बत की राह में एक कदम हजार पाशाही से बेहतर है। मोहब्बत का मफहूम इकबाल के यहाँ महदूद नहीं है बल्कि सारी इंसानी खसूसियात पर हावी है। तब ये मुस्लिम अज मोहब्बत कायस मुस्लिम आशिक बाशत काफरस, और ज़हूर अजमी का एक शेर है कि दागे सीन अफसोस के अंदर शबे वजूद, रोशनी की कभी की वजह से मैं अपनी चीज सही तरीके से तहरीर को पढ़ नहीं पा रहा। नाम बागे दरा में इस गज़ल का नाम की मोहब्बत है, चमक तारे से मांगी चांद से दागे जिगर मांगा, चमक तारे से मांगी चांद से दागे जिगर मांगा, उड़ाई तेर की थोड़ी सी शक्ति दुल्फे बरहम से, तड़प बिजली से पाई गूर
40 साल पहले डॉक्टर तो रोकते हैं बसों को,
लेकिन बचने को जिस तरह मियां आसिफ अकबर उनका करते थे, आज भी उनकी तकदीर में वही तबसम है। इस बात सच्ची बात है जो पता ही नहीं, ये कुछ तजर्बा था जिस तजर्बे से हम गुजरे हैं, इसी के इसे भी मियाँ साहब हम जैसे दौर में तारे बिल्ली की नादानियों में आज शुमार कीजिए और मैं इसके लिए बात करता हूँ। तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि यहाँ एक ऐसे प्रोफेसर बैठे हैं कि जो वीर तक नींद पढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि वीर ने कहा एक बार बड़ा उपदेशक है, मन बातों की मोह लेता है। और आलिम को पढ़ाए तो वो कहते हैं कि आलिम ने कहा गैरत है बड़ी चीज, जहाँ ने चलो दो में पहनाती है दरवेश को ताजे से ज़्यादा। और ये प्रोफेसर भी उर्दू के नहीं है, अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर हैं। आप इस पर हंसिए नहीं, मेरे उस्ताद हैं वो तकरीर तो नहीं करेंगे, वे सिर्फ खिराजे से सीन पेश करने के लिए कि प्रोफेसर मुबारक शाह है, अगर अंग्रेजी अदब की पढ़ाए तो उसे इकबाल के अलावा कोई नहीं करता, वो हाफिज़ इकबाल है। मैं सिर्फ यहाँ अपने खराज तहसीन पेश करने के लिए मुझे खुद उनका एक अदना तालब इल्म होने का फ़ख्र है। और मैं एक और बात कहूँ कि बड़े कॉलेज के जो मौजूदा उस्ताद हैं, मैं खुद को इनका भी तालब इल्म समझता हूँ, इसलिए कि जाए उस्ताद खाली उस्ताद मसला होता है, और जो जाए उस्ताद पर बैठता है वो चाहे मेरे 20 साल बाद बैठे वो उस्ताद की विशिष्ट पर बैठा है और मैं तालब इल्म की विशिष्ट। शख्सियत को, जिस भाई को, जिस तालिबे इल्म को, मरे काल के जिस काबिल तालिबे इल्म को दावत इज़हार देने जा रहा हूँ, वो भी मियाँ आसिफ की तरह दानिशवर और बोलने में मलका है। और मैं एक और बात करूँ कि मुझे ये पूरे तजक्कुर से कहना है कि ये सीएसएस की नीचों में ना पढ़ते दोनों तो ये इस पाकिस्तान के काबिल फख्र उस्ताद होते, कोई दूसरा शोभा ना मियाँ आसिफ के लिए मौजूद था। बहुत ही ब्रिलियंट तालिबे इल्म अपने दौर के दोनों, और बहुत ही ब्रिलियंट थ्रू आउट कैरियर के रहे हैं। ये अहदे और मनसब अल्लाह ने दिए हैं, हम इनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी दौरे तालिबे इल्म की हम इज्जत ज़्यादा करते हैं कि यहाँ के बेंच आज भी उन्हें याद आते हैं। इस फैजान नज़र से वो आज ये जो सरफेस की आसमान है उसके सारे अंदर पाकिस्तान के थ्रू अर्थ में चमक रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपने घर में आए हुए हैं, जाने का इंतजाम देता हूँ। और उमर साहब आपसे फिर मालूम कि मैंने रस्तबरदारी इसलिए की थी, ये एक माहौल है, ये भी एक जिंदगी है कि ये जरूरी नहीं है कि मतलब है कि मैं स्टेज से हूँ तो मैं ही चिपक जाऊँ। सब दोस्तों को ये मौका मिलना चाहिए, और कभी मौका मिला तो आपको सुनाऊंगा हाफिज़ इकबाल मुबारक शाह कहता है कि वो किस तरह इकबाल के अशआर सुनता है। 2 मिनट दे दे, बहुत जरूर दे। मुबारक शाह साहब कोई भी इकबाल के अशआर सुना दे तो हमें 2 मिनट नहीं दे, बहुत दुर्लभ है वो, इस काबिल है भाई, वो इस काबिल है सर भाई। मुबारक शाह साहब आप हैं उनके शागिर्द की समझी इसलिए आज सर आप बहुत बड़ा आ गए सर, आ गए
काले सिंह को बरोबर है जिंदगी की उनकी माफ करती है फितरत की तकसीर कलंदराना गाएं सिकंदराना जला ये उम्मत ही है जहां पे बरहना शमशे उदी से मरते खुदा का जलाल और जमाल कि ये किताब है बाकी तमाम तफसील ये शेर है इस पे जरा गौर फरमाइए जैसे एक नजर में एक शेर राम साहब माया के मुझे उस देश में पैदा किया गया है जिसकी बंदी गुलामी के बाजार में रही पैदा किया मुझे उस देश में तुमने जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे रजामंद लेकिन यहां शेर यह है वो और अंदाज से तरफ पेश करना चाहता हूं शको है ईद का मुमकिन कबूले हक है फत मरदे मुल्क तकबीर कि पहले आजादी को हासिल करो ये अल्लाह के रास्ते में बकरियां बकरे और गाय और कुत्ते की सुते ज्ञान को जीवा कर रहे शको है ईद का मुनकिर नहीं हूं मैं लेकिन कबूले हक है फत मरदे और अल्लामा इकबाल साहब ने ये भी कहते हैं मैं बंदा है नादा हूं मगर शुक्र है तेरा वो शमा बारगाहे खानदाने मुंतजबी रहेगा बिस्मे हरम जिसका आसमान नफस से जिसके की मेरी आजू की कली बनाया इसकी मरूफत ने मुझ का नाम मुझको दुआ ये कर खुदा तुमके आसमान और जमीन करे फिर उसकी ज्यारत से शाम मुझको मैं आपका वक्त भी लेना है आपको ग्राम शरीर बड़ी मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे खींच के नहीं बिला तभी स्पेस मोहतरम ब्रादर खाजा सुमाइल के हवाले साइज़ ऑफ़ द
मैं आशीष साहब प्रिंसिपल हमारे कॉलेज डी सी ओ साहब दिगर मेहमान ग्रामीण खबातों का नजार और मेरे भाई प्यारे अजीज आदरणीयों अस्सलाम वालेकुम। आखिरी की गर्व की दुश्मनी जो है कि वक्त बहुत बीत चुका होता है, सदर का पैमाना भी जब रेस हो चुका होता है और कहने को भी कोई खास नहीं बच जाता, क्योंकि माशाल्लाह मेरे पेश को हाजिर मकरवीन पहले ही आपको खिताब कर चुके हैं। ये अपनी कम आयु का एहसास है, कम इलमी का भी, और आज के मौजू के हवाले से इसके मकसद भी बड़ी दूर की बात है। अगर आइंस्टाइन और न्यूटन जी कह सकते हैं कि आई जस्ट लाइक अ चाइल्ड कलेक्टिंग पेबल्स ऑन द सी शोर ऑफ नॉलेज, अगर एक बालियात को इल्म का समंदर कहा जाए तो मेरी हैसियत उस बच्चे की तरह भी नहीं है जो कि साफ समंदर पे खड़ा सिर्फियाँ चीजने की कोशिश कर रहा होता। जहतों का जिक्र हुआ अम्मा जहती तो इकबाल के हवाले से सबको मालूम है, किस इकबाल का जिक्र किया है? इकबाल को अफगानिस्तान में इकबाल लाहौरी के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में खालिद नज़री है पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया में हकीम उल उम्मत, यूरोप में वेस्ट में शायद मशरिक मुफक्किर उलमा के यहाँ उनका दर्जा जो है अभी हवाला दूंगा। मैंने कहा गगन महमूदी का 1956 का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ रहा था और भी बड़े दिग्गज नामी ग्रामी लोगों का, मुझे बड़ी अगरचे मालूम था लेकिन इतनी शिद्दत से एहसास नहीं था कि ऐसे उलमा के हाथ का क्या मुकाम का दर्जा था। दीनी लिहाज से, फिक्री लिहाज से मौलाना गुलाम सुफ महर का बहुत बड़ा नाम है। वालिया के हवाले से उन्होंने एक दर्जन से जायद वॉल्यूम में बाल के ऊपर तफसील लिखी। फिक्र इकबाल का जिक्र करते हैं तो मुझे याद है बहुत अच्छा, पहले फिक्र इकबाल के नाम से सूखा दिल का नाम बहुत बहुत बड़ा नाम है वालिया के हवाले से, फिक्र इकबाल के हवाले से। और मुझे लोगों का बड़ा खूबसूरत एक हवाला याद आता था, मार्क्स के बारे में आपको याद होगा किसी जमाने में कहा जाता था इकबाल मार्क्सिज्म से बहुत मुतासर है, तो मार्क्स के बारे में बड़ा मुझे अच्छी हवाला अच्छा लगा। मार्क्स का दिल जो है गमराना है लेकिन उसका जो जहन है वो मुझे जाना है, और जो कानूनी हल्के हैं वहाँ इकबाल तो बैरिस्टर एट लॉ बड़े आए थे, वो काम भी थे। मुझे आजकल हम सब सिविल सर्विस को मौका मिलता था कि सरकार हाल में मीटिंग अटेंड करने पर सेक्रेटरी है वहाँ एक तकलीफ लगी है बस पे जो पंजाब असम्बली के पहले इजलास में हुआ था, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि नामा इकबाल उसी असम्बली में बतौर मेंबर पंजाब असम्बली रहे, तो कानून साज हल्कों में और कानून साज भी आप गवर्नमेंट कॉलेज चले जाइए और ओरिएंटल कॉलेज चले जाइए यूके में आप या हाइडलबर्ग में जहाँ उन्होंने पी एच डी किया वो एक प्रोफेसर का दर्जा रखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और सूफिया काम के हाँ मुल्कों में इकबाल से बड़ा सूफी कौन रूहानियात में जाएंगे उनका मुकाम जो है वो उसका कोई सानी नहीं मिलता। कुरान फहमी के ऊपर जाएं जैसे कुरान का हुक्म है या तदब्बर उनके तफक्कुर में, और तदब्बर और फिक्र जो इकबाल के हाँ मिलती है, मैं आपको भी चंद लोगों में लाइन में लिख के लाने आपकी कोई गलती ना हो पढ़ के सुनाऊंगा कि किस तरह इकबाल के बारे में मौलाना मौदूदी ने लिखा और बाकी बड़ी वजीर की शख्सियात है। तो इकबाल के ऊपर अब तक तकरीबन 5,000 कुतुब छप चुकी हैं, 1,00,000 से ज्यादा तहकीकी मकाले लिखे जा चुके हैं, 20 जबानों में कुतुब लिखी हैं। इकबाल हमारा तो एक कौमी शायर है ही, लेकिन ये हकीकत है आप जब विजिट करते हैं आप दौरा करते हैं आप टर्की चले जाएं, ईरान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, हिंदुस्तान में चले जाएं, अगले रोज चीन के सफीर हमारे यहाँ मौजूद थे या अखबार में पूरा दिन मुझे गुजारना पड़ा उसका
तो मैंने उनसे एक बात का जिक्र किया था, वो उन्होंने मुझे बात का कुछ शेर है कि ग्राम पाप चीनी संभलने लगे हमारा के चश्मे उभरने लगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और चीन का मुस्तकबिल उसके अंदर बहुत सारी कॉमन फैक्टर्स हैं और अल्लाह करे ये आमद जो है बरकत हो। लेकिन आप एक बात की प्रोफेसी देखिए, अगर मोहम्मद अल्लाह के नूर से देखें, उनका नूर देखिए, उनका वियर देखिए, उस जमाने में चीनियों के बारे में कहा जाता था कि इंटरेस्टिंग है, हर वक्त ये उसका जब ग्राम पाप चीनी का तर्जमा किया गया तो वो मुंह इंग्लिश में स्लम्बर से खा गया, डीप स्लीप स्लम्बर, इंतहाई शदीद नींद है, खतरे नहीं होता जिसको उतना महाल होता। प्रोफेसी देखिए आज कैसे चीन दुनिया की गुड़ होता है, फलस्तीन के बारे में जाए तो एक बात को याद करते हैं आप, चूंकि मैं एक बात का बहुत जिक्र होता है जब लम्बा बात है अपने मालूम साथ लेक्चर दिए खुतबात के नाम से जो मशहूर है, साथ तो नहीं हो पाया लेकिन किताब में शामिल है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट एंड इस्लाम के हवाले से, मद्रास में दिए, अलीगढ़ में दिए और हैदराबाद में दिए। उनकी उस जमाने में इतना वो कह रहे उसका उसकी खुशबू फैली कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के अंग्रेज साजा ने बहुत मदूर किया वहाँ लेक्चर के लिए, जो आप इसी वजह से अपनी करामी से मुताबिक नहीं जा रहे। तो कहने का मतलब यह है कि इकबाल का तो वो मुकाम है कर्गिस्तान, किर्गिस्तान में, ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, इकबाल को गैर रस्मी तौर पर सरकारी शायर का दर्जा हासिल है। मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, मैं चंद जब यहाँ दाखिल हुआ था मुझे मालूम नहीं था, बताया गया था यहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद होंगे, मुझे ये जानने को खुशी हुई कि यहाँ भी नौजवानों की अक्सरियत है और नौजवान हर इंकलाबी तहरीक का बराबर दस्ता रहे और एक बात की नजर से भी हो जल्दी गए। तो जब शाहीन का बार बार जिक्र आता है तो वह एक्चुअली शाहीन आप हैं, ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये लीडर्स हैं। और जब इकबाल कहता है तू शाहीन है बसेरा कर और चटानों के शाहीन, सिटी के ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है दुनिया में, बड़ी डिबेट्स हुई है, बड़ी रिसर्च हुई है। इकबाल ने शेर को मोहम्मद शेर समझा जाता है, जानते पढ़ाई की और कह रहे थे अजब की निशानी समझा जाता है, शेर से और लेपर्ड से क्यों नहीं दी। लेकिन शाहीन की जो सिफात है ये किसी और चीज की नहीं है, शाहीन की उड़ान सबसे ऊंची है, वो निगाह उड़ान रखता है और किसी का किया हुआ शिकार नहीं करता, खुददार है, सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी है। और फिर यह है कि उसका उसकी नजर दूरबीन है और इकबाल को दानाए आवाज भी कहते हैं। तो अलामा इकबाल के हवाले से इसकी शाहीन का जो मुकाम है, जो नौजवान बेटे बेटियां कहने भाई शुक्रवार है यहाँ पे पहले भी जिक्र हुआ है इकबाल के हवाले से, तो आप इकबाल के महादेवी में से और मैं इकबाल के हवाले से एक हवाला जरूर देना चाहूंगा कि इकबाल की शख्सियत के कौन से पांच बुनियादी अनासर हैं जिसकी बिना पे पेशवा को बारह गुना हुए थे। मगर मुझे देखा कि पेशवा लोगों को नाइट शॉट का इजाज मिला, सर सर का खिताब मिला, बेशुमार शायर दुनिया में पाए गए, बेशुमार अहले इल्म और हुनर हैं और सोहन हैं, अहले फिक्र दानिश का कोई अंदाजा नहीं था। इकबाल क्या चीज़ है जो इकबाल